चाहिए। इनका नाम है बेसिकली कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैंने जो अपना फॉर्म में लिखा है पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो वही क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उन पर पॉइंट टू पॉइंट अपना एक्सपीरियंस करके डिस्कस करने वाली हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे एक्चुअली मैं उनसे उन्हें हंसा के जाना है। ऑल द बेस्ट, अंदर जाइए एंड वी होप टू सी यू सून स्माइलिंग। बेस्ट ऑफ लक। बाल पीछे करना। अच्छा अच्छा सर, मैं टाई कर लूँ? हाँ टाई कर लो। नाइस। Why you angry यार? It seems like you're angry, you're pissed off. तुम्हें हम पसंद नहीं, तुम्हारे को ये देश पसंद नहीं, तुम्हारे को टीचर्स पसंद नहीं, ओल्ड लोग पसंद नहीं, किसी को कुछ नहीं आता, ये लिखा है तुमने अपने पूरे फॉर्म में मोस्टली। तुम्हें you're not happy with anything, right? But एक सेकेंड, my positivity towards any perspective is getting there, because that's your plus point that's going to make you win roadies is your positivity. तू जानना चाहता हूँ तो इसीलिए मैं तो बात नहीं कर रहा भाई। तुमने कुछ? मैं सिर्फ आई विल ओनली लिसन। सर एक सेकेंड सर, प्लीज आप बात कीजिए। मैं एक बार बात करता हूँ। आप रूडीज के बारे में क्या आपको पसंद नहीं है? बाबूजी के तीन बंदरों को हमारे जजेस पैनल के बजाय बैठा दो, क्योंकि ये लोग जो हैं चीज़ों को एज्यूम करने में बहुत माहिर है, ना ये सुनते हैं और ना सामने वाले को बात करने का मौका देते। आज आपके पास मौका ही मौका है और मैं सिर्फ सुनूंगा, तब तो आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगा। आप चेंज करना चाहती थी, चेंज हो गया। सर आप प्लीज इसे वैसे दूसरे ट्रैक पे ले लीजिएगा, मैंने लिखा भी है नहीं। आई एम इन लिसनिंग मोड राइट नाउ, साइलेंट मोड एक्टिवेटेड। यू डोंट वांट टू स्टे इन दिस कंट्री बिकॉज़ मेरे थोड़े बड़े-बड़े ड्रीम्स हैं, तो मुझे स्टडीज के लिए पीएचडी के लिए बाहर ही जाना है। इंडिया में पीएचडी नहीं कर सकते आप? सर मेरा एडमिशन हुआ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, बट समहाउ मुझे रिसर्च बाहर करना है। द वे यू रिटन ना, यू वांट टू बी अ रोडी बिकॉज़ आई डोंट वांट टू लिव इन इंडिया एंड बिकॉज़ ऑफ माय रोडी ड्रीम्स आई एम स्टिल स्टक हियर। सर एक्चुअली मुझे यहाँ के रिचुअल्स, जो पाखंडी चीजें होती हैं, वो कुछ भी पसंद नहीं है। और क्या बोला आपको यहाँ पे क्या चीजें अच्छी लगती? पाखंडी चीजें। सर नहीं मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी। सो द बैड थिंग्स आर सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस से प्रॉब्लम आपको? हाँ। कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए? यस। सर मैं अपने आप को बहुत फ्री रखती हूँ, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ, और बाकी ऐसा लगता है कि मेरी मेंटेलिटी शायद मेरे घर वालों के पल्ले में भी नहीं पड़ती है। वैसे भी जब आप स्विट्जरलैंड में रही होंगी तो वहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि इंडिया से तो बेटर ही है स्विट्जरलैंड। सर मैं स्विट्जरलैंड कभी नहीं गई। तो दुबई में रही होंगी? नहीं सर मैं कभी नहीं। अमेरिका में रही होंगी? तो अब बाहर नहीं रही कभी? आपको कैसे पता वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं और आपको पसंद आ जाएंगे? सर मैं ऐसा कोई रीति रिवाज वहाँ करने नहीं जा रही हूँ। इट्स लाइक तो यहाँ पे भी मत करो। सर यहाँ पे थोड़ा मेरे ऊपर है, मेरी फैमिली है जिनका मानना है कि देखो भाई अगर तुम 26 साल के हो गए तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। शादी पे आ जाएगी ना? हाँ वही है। मैरिज डोंट ब्लेम माय कंट्री फॉर। मैं वो नहीं हूँ कि मैं प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ, मैं वो देखती हूँ कि मैं क्या सोल्यूशन निकाल सकती हूँ, और जो चीज़ अगर मुझे टेंस करे मैं उसे अपने आप को दूर रखती हूँ। हाँ सोल्यूशन ये है कि भाग जाऊँ मैं उधर से, प्रॉब्लम से। दैट्स व्हाट यू डूइंग ना, यू नॉट सॉल्विंग इट। क्या सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में होनी चाहिए? नहीं आप अग्री करती हैं डिसअग्री, इसका आंसर आया नहीं है क्योंकि आपने लिखा है पहले तो टीचर्स और पेरेंट्स को पढ़ाओ कि सेक्स एजुकेशन क्या होती है। बच्चों को सब पता है, ये हमारे ओल्डीज हैं, इनकी जो जनरेशन है जो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। सही जवाब है, मतलब ये सही लिखा है आपने कि हाँ, पर इसमें जवाब नहीं आया। यू हैवंट आंसर्ड द क्वेश्चन। वी स्टिल डोंट नो वेदर यू थिंक दैट देयर शुड बी सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स और नॉट। तो ऑब्वियस होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम एक थोड़ा सा इंडिया से है, यहाँ की प्रॉब्लम ओल्डीज और ओल्ड जनरेशन से है, रीति रिवाजों से है, और आप पॉजिटिव है। वेरी नाइस। सर मैं पूरी पॉजिटिव हूँ, मैं कभी प्रॉब्लम्स की बात नहीं करती हूँ। ऐसी कोई चीज आप अपने बारे में बताना चाहते हो जिससे आपकी सिलेक्शन में फायदा हो, एडवांटेज हो? एक सेकंड सर, आप प्लीज बोलिए, कुछ क्वेश्चन पूछो, मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। मैंने अभी तेरे को क्वेश्चन पूछा है? नहीं आई सर आपने पूछा, सॉरी। सो स्टॉप डिसरिस्पेक्टिंग पीपल। डिड आई नॉट जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन? व्हाट डज दैट से अबाउट अ पर्सन रियली? आई जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन, वेरी इतनी रिस्पेक्ट से पूछा आपने, कहा एक मिनट रुक तू क्वेश्चन पूछ। कौन से इंसान ऐसे करते हैं, पॉजिटिव इंसान ऐसे करते हैं? धिक्कार दिया एक आदमी को आपने कि यार व्हाटएवर तूने जो भी पूछा मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है तेरी बात में। You just did that to me. Sir, I'm really sorry, sir. Taru. हाँ जी. मैं सुन रहा हूँ, हाँ मेरी लिमिट है सुनने की। अगर सवाल पूछा जाता और उसका जवाब जो कि नहीं मिलता, एक और बार ऐसा हुआ मैं उठ के चला जाऊँगा। आपका इंटरव्यू चलता रहेगा, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, आप ना आपसे ना आपके इंटरव्यू से।
मेरे को जवाब चाहिए अगर एक क्वेश्चन पूछा गया तो. आंसर द क्वेश्चन. ऐसा कुछ है आपके बारे में? ओके, तो एक्चुअली नवंबर 2012 से मेरा काफ़ी वेट लूज होना स्टार्ट हो गया था. मैं 39 kg वेट पे आ गई थी, तो मुझे काफ़ी फीवर वगैरह होता था. मेरे डॉक्टर ने बोला कि एक बार रेडियोलॉजिस्ट को आप दिखा दो. तो जब उन्होंने मैंने चेक किया तो मेरी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन था, राइट साइड पूरा लिम्फ नोड, ठीक है, पूरी इन्फेक्टेड थी, पस पड़ी हुई थी. इट्स लाइक यहाँ से मेरा आधा बॉडी पार्ट. 3 महीने मैं सिर्फ अपने रूम में सोई हूँ. मेरे बाल झड़ रहे हैं, उनका बहुत साइड इफेक्ट हुआ. मेरे बड़े बड़े डार्क सर्कल आ गए. मतलब यूज टू लुक सो अगली एज पर डॉक्टर कि वो इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका था कि अगर 1-2 हफ्ते में और नहीं दिखाती कैंसर बनने वाला था. और यू नो आई लव लाउड म्यूजिक. मैंने पिछले 8 महीने से लाउड म्यूजिक नहीं सुना है क्योंकि मेरे तो कोई थोड़ा सा दिमाग में बजता था. फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि लाइफ ऐसे नहीं चलने वाली है, तुम्हारा डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कितना गम मार के क्यों बैठी हो, क्या हो गया तुम्हारी लाइफ में. तो यू नो मैं मन में क्या सोच रही थी, अरे यार युवराज स्पीच जीत करके आया है और लीजा रेवी करके आई है, मैं तो फुल ऑन पॉजिटिव एटीट्यूड है, मैं तो मार डालूंगी, कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसा मैंने सोचा. मैंने अपना माइंड सेटअप कर लिया था कि मुझे ठीक होना है तो ठीक होना है. एंड आप बिलीव नहीं करोगे सर, लोग कहते होंगे, मैंने फील किया है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो ना लाइफ चेंज हो जाती है. नाउ आई विल टेल यू समथिंग. हां जी. अगर मैं तुम्हें पुश नहीं करता अपने बारे में बताने के लिए तो मुझे पता ही नहीं लगता ये पॉजिटिव पॉजिटिव जो तुम बोल रही हो ये कहां से आया. एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय अ पॉजिटिव एटीट्यूड. अभी कैसी हो हेल्थ में? मैं अभी एकदम मस्त हूं सर. यू बीन क्योर्ड? दवाई खा रही हो अभी? 51 52 पे आ चुकी हूं. कांग्रेचुलेशंस, यू फॉट वन ऑफ दीस बिग डिजीजेस एंड वेल डन. या थैंक यू. इट्स डन. या आपका परमिशन से मैं कुछ बोल सकता हूं? सर आप प्लीज बोलिए. आपने बोला कि मुझे गांधी जी के 3 मंदिर चाहिए, ना जो कोई सुनता है, ना देखता है, ना कुछ बोलता है. वो हो गया. आपको ना मैं जज करूंगा, ना मैं कोई ओपिनियन दूंगा, ना मैं, और मैं सिर्फ आपकी बात सुन रहा था. डू यू एग्री टू दैट? आई वॉज राइट. आप जैसा इंटरव्यू चाहती थी वैसा मिल गया आपको. अब अगर नहीं हुआ तो हमारी गलती होगी या आपकी? नहीं सर, मैं नहीं हो गया, नहीं, मैं खुद नहीं बोल सकती सर, प्लीज. शी इज पॉजिटिव सर. हाँ सर, मैं क्यों खुद बोल के चलूं? वो जो आप पॉजिटिविटी कह रहे हैं ना, इट्स एक्चुअली एन इनकैपेसिटी टू आंसर अ क्वेश्चन स्ट्रेट. आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट. और आई वुड रियली नाउ, अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो किस वजह से नहीं होगा? वो इसलिए उसमें हमारी गलती होगी या आपकी गलती होगी? सर मैं आपकी तो नहीं होगी. चलो, किसकी गलती होगी? मेरी. पहले तो वो कन्वेंस ही नहीं हो रहे थे और मुझे लग रहा था आई एम गोइंग टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी अगेन. एक्चुअली मुझे यही लग रहा था कि उन्होंने बंद किया, मैं गई. मुझे लिटरली लगा कि शिट यार, अब मैं गई. मजा आ गया सन्यासी रघु को देखकर. दिस इज बेटर फॉर मी. मेरे को बड़ा मजा आया. व्हाट डू यू थिंक ऑफ? आई प्रॉमिस्ड हर आई विल नॉट अज्यूम एनीथिंग. सो यू डिडंट. व्हाट डू यू थिंक ऑफ द इंटरव्यू? दैट वुड बी एन अजम्पशन. सो डू यू थिंक शी इज पॉजिटिव? जब सर ने थोड़ा बोलने को बोला तो मैंने बोला. एक्चुअली यही मैं बताना चाहती हूँ, मैं इतनी पॉजिटिव क्यों. शी इज डिफिकल्ट. एक्सप्रेशन प्रॉब्लम है विच कुड बी इंटरेस्टिंग. वी माइट जस्ट नीड अ पॉजिटिवली रैंडम चेक.